हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो अबाउट मालवेयर. व्हाट इज मालवेयर? मालवेयर क्या होता है? मालवेयर शॉर्ट फॉर द मैलिशियस सॉफ्टवेयर. मैलिशियस सॉफ्टवेयर को शॉर्ट फॉर्म में मालवेयर कहा जाता है. मैलिशियस सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी फंक्शनिंग मैलिशियस होती है, हार्मफुल फंक्शनिंग होती है. रेफर्स टू एनी इंट्रूसिव सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द साइबर क्रिमिनल्स. मालवेयर को साइबर क्रिमिनल्स इन्वेंट करते हैं, बनाते हैं, डेवलप करते हैं. ओके, और ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है? इंट्रूसिव सॉफ्टवेयर होता है, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके बिना परमिशन के आपके सिस्टम में घुसपैठ कर है. इट्स लाइक अ इंट्रूडर. लाइक ओके, इसको कौन क्रिएट करता है? साइबर क्रिमिनल्स इसको क्रिएट करते हैं, जिनको हैकर्स भी कहा जाता है. और इसको क्रिएट क्यों किया जाता है? मालवेयर सॉफ्टवेयर क्यों बनाए जाते हैं? टू स्टील डेटा, आपका डेटा चोरी करने के लिए, एंड डैमेज और डिस्ट्रॉय कंप्यूटर सिस्टम्स. कंप्यूटर सिस्टम्स को डैमेज करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, नेटवर्क्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या यूजर्स को हार्म पहुंचाने के लिए. ओके, एग्जाम्पल ऑफ कॉमन मालवेयर इंक्लूड्स, तो डिफरेंट टाइप्स के मालवेयर्स होते हैं. वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर एंड रैंसमवेयर. राइट, तो इस वायरस क्या होता है? The term computer virus was coined by the Fred Cohen in 1985. Computer virus जो नाम आया वो किसने दिया था? Fred Cohen ने दिया था 1985 में. Okay, and has been borrowed from biological science with almost similar meaning and behavior. और ये नाम उन्होंने कहाँ से लिया था? उन्होंने biological science से लिया था. Okay, और वहाँ से किस चीज से similar करता था? ये biological virus से similar करता था. Okay, the only difference is that victim is a computer system and the virus is a malicious software. अब यहाँ पे सिर्फ एक ही difference है कि यहाँ पे victim human being नहीं है. biological virus क्या करता है? ह्यूमन बींग पर या एनिमल्स पर अटैक करता है, बट कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम पर अटैक करता है. और ये क्या होता है कंप्यूटर वायरस? इट इज़ अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर. एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी वर्किंग क्या होती है? मैलिशियस होती है, संदिग्ध होती है. संदिग्ध मीन्स वो हार्मफुल वर्किंग करता है. राइट, नाउ अ वायरस इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कोड क्रिएटेड टू परफॉर्म मैलिशियस एक्टिविटीज. तो वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर कोड है, राइट, जिसको क्रिएट किया गया है मैलिशियस एक्टिविटीज करने के लिए. एंड हैम्पर रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स लाइक सीपीयू टाइम, और कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को उनकी फंक्शनिंग को रोकने के लिए, उनकी फंक्शनिंग में रुकावट लाने के लिए, सीपीयू टाइम इंटरप्ट करने के लिए, मेमोरी में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, पर्सनल फाइल्स को करप्ट करने के लिए, और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को डिलीट करने के लिए या स्टील करने के लिए. ओके, अ वायरस इज अ प्रोग्राम डेट कॉपीज इट्सेल्फ. वायरस क्या होता है? अपने आप की कॉपीज बनाता रहता है, अपनी कॉपीज बनाता रहता है, रेप्लीकेशन करता रहता है. गेट्स अटैच टू अदर फाइल्स, और कॉपीज बना बना के क्या करता है? दूसरी फाइल्स के साथ अटैच होता रहता है. एंड इन्फेक्ट्स अ पीसी, और किसी भी सिस्टम को कंप्लीटली इन्फेक्ट कर देता है, स्प्रेडिंग फ्रॉम वन फाइल टू द अनदर. उसकी सारी फाइल्स को करप्ट कर देता है. एंड देन फ्रॉम वन पीसी टू द अनदर व्हेन द फाइल्स आर कॉपीड और शेयर. अगर इन्फेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम की कोई भी फाइल कोई दूसरा सिस्टम यूज करता है, कोई दूसरा कंप्यूटर सिस्टम या कोई दूसरा डिवाइस यूज करता है, तो क्या होता है? वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है. राइट, नाउ वायरसेस बिहेव डिफरेंटली. अब वायरस जो अलग अलग तरीके के वायरस होते हैं, और सबका बिहेवियर डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द रीजन और मोटिवेशन बिहाइंड देयर क्रिएशन. तो जिस रीजन के लिए उनको बनाया गया है वो वैसा ही बिहेव करते हैं. ओके, सम ऑफ द, अब यहाँ पे देखो, वायरस खुद से नहीं बने, इनको बनाया गया है, इनकी कोडिंग करके इनको बनाया गया है. राइट, some of the most common intention or motives behind viruses include stealing passwords or data. तो वायरस किस लिए क्रिएट किए जाते हैं? उनका जो मोस्ट कॉमन मोटिव है वो क्या है? पासवर्ड को स्टील करना, डेटा को स्टील करना, फाइल्स को करप्ट करना. ओके, स्पैमिंग द यूजर्स ईमेल कॉन्टैक्ट्स, यूजर के जो ईमेल कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भर देना स्पैम मेल से. ओके, एंड इवन टेकिंग कंट्रोल ऑफ द यूजर्स मशीन, और किसी और पर्सन की मशीन का कंप्लीट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना. फाइन, सम वेल नोन वायरसेस इंक्लूड क्रिप्टो लॉकर, आई लव यू. तो यहाँ पे क्या है, वायरसेस के कुछ एग्जाम्पल्स है, माई डूम, सेसर, नेट स्काई, स्लैमर, स्टक्स नेट एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट वी हैव ट्रोजन हॉर्स. अ ट्रोजन इज अ मालवेयर. ट्रोजन क्या है? एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, मालवेयर है, डेट लुक्स लाइक अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, जो एक रियल सॉफ्टवेयर की तरह लगता है, एक लीगल सॉफ्टवेयर की तरह लगता है. एंड वंस इट ट्रिक्स अ यूजर इन टू इंस्टॉलिंग इट, इट एक्ट्स प्रेटी मच लाइक अ वायरस और वॉर्म. और जब यूजर क्या करता है, इसको एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर समझ के इंस्टॉल कर लेता है, तब ये लाइक अ वायरस, ये वायरस या वॉर्म की तरह वर्क करता है. ओके,
A Trojan may look like a perfectly legitimate email that may even appear to be from a friend or a colleague, right? तो Trojan Horse क्या एक बहुत ही चलाक malicious software है, ये आपके पास आएगा email की form में या किसी link की form में, right? और आपको लगेगा कि ये आपके किसी friend या colleague की तरफ से आपके पास ये email आया है, right? If a photograph, photograph की form में आ सकता है, sound file की form में आ सकता है, even a game, game की form में आ सकता है, तो Trojan Horse क्या है? वो virus है, वो वर्म्स है जो अपने आप को हाइड करके रखते हैं, ओके? When the user tries to open the file, it gets activated. तो जब यूजर क्या करते हैं, ऐसी फाइल्स को ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, ये वायरस एक्टिवेट हो जाता है, ट्रोजन हॉर्स एक्टिवेट हो जाता है. फाइन, जैसे आप क्या करते हो, आप ऑनलाइन गेम्स डाउनलोड करते हो, राइट? अगर आप क्या करते हो, लेजिटिमेट साइट से उनको डाउनलोड नहीं करते हो, तो उनके साथ ट्रोजन हॉर्स वायरस भी आ जाता है. Trojan और Trojan horses are the malicious code, right? Trojan horses क्या है? Malicious code है, which causes loss or even theft of data. तो ये क्या करता है? आपके data को चुराता है, right? When a Trojan horse is activated, it may access certain files. जब ये आपके system में आ जाता है, activate हो जाता है, तो ये आपकी files को access करता है, folders और even the entire system. और आपके folders को access करता है. In fact, वो आपके पूरे system को access कर लेता है. Right, it can steal a victim's sensitive information and forward it to another location. वो क्या कर सकता है? आपकी sensitive information को steal करके, चुरा कर, वो network के through कहीं और send कर सकता है, right? The major difference between a virus and a trojan is that trojans do not replicate themselves. अब एक difference virus और trojan में क्या है? Trojan अपने आप को replicate नहीं करते हैं, अपनी copies नहीं बनाते हैं. They have to be installed on a system unknowingly. ये क्या होते हैं? System पर install हो जाते हैं unknowingly, बिना किसी जानकारी के. Fine, जैसे मैंने अभी बताया, आपने कुछ कोई song download किया या photograph download की, या फिर आपके पास कोई mail आया तो आपने उस पर क्लिक कर लिया, right? तो इनके थ्रू ट्रोजन हॉर्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, राइट? Rod Apple and executable file with the double extensions like readme.txt.txt are example of Trojan horse. तो यहाँ पे दो example बताए गए, एक तो क्या है, Rod Apple है, Trojan horse का name है. Fine, और ऐसी कोई file जिसमें दो extensions हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है, दी गई है readme.txt.ext. तो ये files क्या होती है? Trojan horse files होती है, okay? Next is adware. And adware is a malware that is created to generate revenue for its developer. Adware एक malware है, एक malicious सॉफ्टवेयर है जिसको क्रिएट किया गया है उसके डेवलपर के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ठीक है? रेवेन्यू क्या होता है? इनकम जनरेट करने के लिए. फाइन, एंड एडवेयर डिस्प्लेस ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट यूजिंग पॉपअप्स. एडवेयर क्या करते हैं? ऑनलाइन जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो तो आपने देखा होगा एकदम से पॉपअप्स आ जाते हैं. पॉपअप्स होते, एक छोटी सी स्क्रीन आ जाती है एडवर्टाइजमेंट की, ओके? वेब पेजेस और इंस्टॉलेशन स्क्रीन, राइट? तो यहाँ पे क्या करे, एडवेयर करता क्या डिस्प्ले करता है? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करता है, वेब पेजेस डिस्प्ले करता है, स्क्रीन्स डिस्प्ले करता है. वंस एन एडवेयर हैज इन्फेक्टेड अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जब एडवेयर बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है, इट जनरेट्स रेवेन्यू. तो वो रेवेन्यू जनरेट करता है, इनकम जनरेट करता है, आइदर बाय डिस्प्लेइंग एडवर्टाइजमेंट, या तो वो एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करके रेवेन्यू जनरेट करता है, और यूजिंग पे पर क्लिक मैकेनिज्म, ओके? या फिर पे पर क्लिक, जब जितना आप क्लिक करोगे किसी वेबसाइट पे या किसी एडवर्टाइजमेंट पे, उतना ही रेवेन्यू क्रिएट होता रहेगा. Mechanism to charge its client against the number of clicks on their displayed ads. तो जितना क्लिक होंगे एड, उतना ही रेवेन्यू क्रिएट होता रहेगा. तो एडवेयर यहाँ पे क्या करता है? पॉपअप्स, एड के पॉपअप्स आपको सेंड करता रहेगा. आप जितना उस पर क्लिक करोगे, उतना ही उनका उनकी इनकम जनरेट होती रहेगी. फाइन, एडवेयर इज यूजली अनोइंग बट हार्मलेस. ये अनॉय तो करता है, आपको तंग तो करता है, लेकिन इससे आपको कोई हार्म नहीं है. हाउ एवर, इट ऑफन पेस वे फॉर अदर मालवेयर बाई डिस्प्लेइंग अनसेफ लिंक्स एज एडवर्टाइजमेंट. लेकिन ये आपके लिए रास्ता खोल देता है कि अगर मान लो आपने किसी एड पर क्लिक किया, लेकिन उस एड में क्या है, उस एड में मालवेयर है, तो क्या होगा? वो मालवेयर आपके सिस्टम में एंटर कर जाएगा, राइट? तो यहाँ पे ये क्या है, आपके लिए सेफ नहीं है एडवेयर. Okay everyone, if you like my video, please like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.